देश की जानी मानी कार निर्माता कंपनी यानी महिंद्रा मोटर्स ने आजकल आखिरकार अपनी नई अपडेटेड माइक्रो एसयूवी कार को भारतीय बाजार में पहली बार लाने का फैसला कर लिया है। महिंद्रा मोटर्स भारत की एक जबरदस्त कार निर्माता कंपनी है जो कि अपने सेगमेंट में काफी मजबूत कारों के साथ जानी जाती है, मगर माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की उत्सुकता को देखते हुए अब कंपनी ने अपनी जबरदस्त माइक्रो एसयूवी कार यानी XUV200 को लॉन्च करने का ने भारत में लिया है। साथ आप सभी को खास बात बता दें कि महिंद्रा मोटर्स ने आने वाली भारत की सबसे ज्यादा सस्ती कार यानी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में XUV200 को लॉन्च करने की पूर्ण रूप से 2022 में तैयार या पूरी कंप्लीट कर ली है और इस कार को हम सभी के लिए अब नए अवतार के अपडेट्स के साथ 30 जून तक फाइनली लॉन्च किया जाना है। आज इस कार की रिवील की गई है यानी XUV200 की कुछ डीलरशिप द्वारा प्री बुकिंग आज से ही स्टार्ट लेना कर दी है। टेस्टिंग के द्वारा दिखाई गई XUV200 अपने कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी मिलती जुलती नजर आती है। XUV200 कॉन्सेप्ट मॉडल 2019 में पहले जिनेवा मोटर शो के दौरान प्रदर्शित किया गया था, जब इसे इस कार के दीवाने भारत में आज तक इस कार का इंतजार करते आ रहे थे। मार्केट में इस कार को लाने की वजह यह है कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में बढ़ता क्रेज और तथा छोटे फैमिलियों के लिए एक बजट कार लेने का सपना ये कार पूरा महिंद्रा की कर सकती है। इंटीरियर की बात करी जाए तो XUV200 भारत में आखिरकार कैसी नजर आ रही है, तो आप सभी के देखने के बाद इस कार को होश उड़ने वाले हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि महिंद्रा ने अपनी छोटी कार यानी माइक्रो एसयूवी कार XUV200 को काफी जबरदस्त डिजाइन दिया है जो कि आजकल आप सभी को काफी दीवाना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ डीलरशिप पे अपकमिंग XUV200 की प्री बुकिंग 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ ली जा रही है। महिंद्रा मोटर्स की आने वाली XUV200 को अगली पीढ़ी के तहत डिजाइन किया गया है और आने वाली कुछ कारों में आप सभी को ऐसा ही कुछ डिजाइन देखने को मिलता है। स्पाई इमेजेस तथा वीडियो में देखा जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन XUV200 ऑल LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर द्वारा संचालित किए गए फ्रंट सेटअप के साथ दिखाई देती है। साथ ही साइड डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन नीचे की साइड पोजीशन में रखा गया है। नई रेटिना अपडेट क्रोम फिनिशिंग के साथ एक बेहतरीन ग्लॉसी ग्रिल इसमें लगाई गई है जो कि आप सभी ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बाहर से देखने पे ये कार वाकई में ही एक मस्कुलस लुक के साथ नजर आती है। कार के बम्पर में भी काफी बड़े डिजाइन देखने को मिलेंगे। इस कार में रिट अपडेट बम्पर का इस्तेमाल किया गया है जो कि ग्रिल टू बम्पर टच होता है, जिसके कारण आपको एक स्पोर्टी लुक भी मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो XUV200 के अंदर आपको 17 इंच के अपडेटेड बड़े टायर दिखाई देते हैं और कंपनी की तरफ से फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ भी आने वाले हैं। इस कार को काफी बेहतरीन और खूबसूरत युद्ध को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। दोस्तों कार के अलॉय व्हील कंपनी फिटेड आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ मॉडिफिकेशन करते हुए इस कार में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहियों का नया डिजाइन एसयूवी के आकार को बेहतरीन और एग्रेसिव बना रहा है, जबकि इस कार में क्रोम फिनिशिंग वाले हैंडल बार्स का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इस कार के बैक लुक को XUV200 वाला ही दिया गया है, यानी देखने से बैक पे ही आपको लगने वाली है छोटी XUV200 माइक्रो एसयूवी कार में कौन से इंजन का इस्तेमाल किया है जिसके चलते ये आने वाली कई माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कारों की पीढ़ियों को टक्कर दे सकती है। मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई हमारी नई चहेती XUV200 में 1.2 लीटर का नेचुरल एसिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देता है जो कि 3 सिलेंडर द्वारा अपडेट किए गए इस कार में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ पावर को जनरेट करने वाला है। कार में आप सभी को 138 Nm का टॉर्क मिलता है, साथ ही साथ इस कार में 92 Nm का अपडेटेड टॉर्क जनरेट भी किया जाता है। माना जा रहा है कि XUV200 के अंदर 5 स्पीड AMT तथा 6 स्पीड मैनुअली गियरबॉक्स पहली बार महिंद्रा की इस सेगमेंट की कार में दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ निर्माता एसयूवी मालिक ने बताया कि इस कार के CNG विकल्प ऑप्शन को भी जल्द से जल्द भारतीयों के लिए लाया जाएगा। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का कहना है कि XUV200 अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन माइलेज आप सभी को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में देने वाली है। हो गई दोस्तों महिंद्रा की आने वाली XUV200 के इंजन तथा भारी लुक की बात। अब बात कर ली जाए इस कार के इंटीरियर की, तो वाकई में ही दोस्तों इस कार को जितना बाहर से खूबसूरत आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है, उतना ही इस कार के इंटीरियर और फीचर्स पे कंपनी ने काफी काम किया है। यानी ये छोटे बजट सेगमेंट की कार में आप सभी को ऐसे बेहतरीन फीचर्स और इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कि आप सभी एक फुल साइज एसयूवी कार लेने का सपना पूरा करेगा, ताकि हमारे ग्राहक और किसी कार की तरफ ना जा पाए। तो इंटीरियर तथा फीचर्स की सबसे पहले बात करें तो इस कार में आप सभी को
पहले सेंटर कंसोल की शान बनाने वाला 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम द्वारा अपडेट किया गया है। इसी इंफोटेनमेंट के बड़े अपडेट का इस्तेमाल XUV700 के अंदर भी किया गया था। साथ ही साथ इस कार में आपको दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन के साथ एसी वेंट्स का डिजाइन काफी अच्छी क्रोम फिनिशिंग के साथ अपडेट करते हुए स्लिम रखा गया है, जो कि आप सभी को एक फीचर इस कार का लुक मिलता है। साथ ही साथ इस कार के डैशबोर्ड को ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ ग्लॉसी लुक दिया गया है, जो कि वाकई में इस कार को एक मैट ब्लैक अपडेट के साथ काफी खूबसूरत और प्रीमियम डैशबोर्ड बनाते हैं। साथ ही साथ इस कार में आपको हरमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि म्यूजिक सुनने वालों के लिए एक जबरदस्त फैसला कंपनी ने इस कार में तय किया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, वायरलेस चार्जिंग के साथ इस कार में ढेरों स्मार्ट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें USB पोर्ट ऑप्शन के साथ IFSO अपडेट सिस्टम और वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम, जिससे आप वॉइस कमांड से अपने कुछ फंक्शंस को बैठे बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। है ना कमाल का अनुभव। साथ ही साथ बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए सीटों को फोल्ड करके आप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, और लेग रूम को भी काफी जबरदस्त डिजाइन दिया गया है, जैसे कि आप सभी को टाटा पंच से ज्यादा इस कार में लेग रूम देखने को मिलता है। XUV200 में आखिरकार 5 लोग आसानी से बैठ के खुले होके सफर कर सकते हैं। बैठने के बावजूद भी बूट स्पेस ज्यादा होने के कारण आप सामान को रख के भी यात्रा को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो महिंद्रा का नाम भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पावरफुल और मजबूत कार बनाने वाली कंपनियों में आता है। महिंद्रा अपनी जबरदस्त कारों को रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते तय करती है, और साथ ही साथ बेहतरीन मजबूती अपने ग्राहकों को ट्रस्ट के तौर पे देती है। महिंद्रा की कारें जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर डिजाइन भी की जाती है। आखिरकार XUV200 को भी आर्किटेक्चर अल्फा प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है, जिसपे XUV700 को भी अपडेट किया गया था, जिसके कारण इस कार की बॉडी को 80% तक स्टेनलेस स्टील से अपडेट किया गया है, जो कि उबड़ खाबड़ ग्रामीण क्षेत्रों पे लाइट वेट होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन मजबूती के साथ आपको राइडिंग देती है। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट मानकों के तहत पूरे 4.6 की रेटिंग मिली है, जो कि भारत में काफी अच्छी मानी जाती है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पे कार में पूरे 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। ABD टेक्नोलॉजी के साथ ABS टेक्निक को भी शामिल किया गया है। IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे दोनों अपडेट ऑप्शन के साथ दिखाई देते हैं, जो कि आसपास के व्यू को इंफोटेनमेंट सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण व्यू को चुनने में आप सभी को काफी मदद आती है, साथ ही साथ आपको बेहतरीन सेफ्टी भी प्रदान करते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से लेकर ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स लिस्ट आप सभी को इस छोटी माइक्रो SUV कार में देखने को मिलते हैं। अब यही फीचर्स आप सभी को बड़ी बड़ी 10 से 12 लाख रुपए वाली कारों में देखने को मिलते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इस वीडियो के अहम पार्ट की, यानी लॉन्चिंग तथा कीमत की, तो फाइनली इस कार को हम सभी के लिए 30 जून को लॉन्च किया जाना है, और आज से इस कार की प्री बुकिंग कुछ डीलरशिप के द्वारा ली जा रही है। साथ ही साथ मैं दूंगा आपको डायरेक्ट लिंक, जहां पे विजिट करके पूर्ण रूप से कार की जानकारी लेकर आप इस कार को बुक कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने में दोस्तों लगता है काफी टाइम, तो एक लाइक बनता है, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।